तो हे गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। एंड आप सभी का वेलकम है यार हमारे चैनल की एक और ब्रांड न्यू वीडियो में। तो गाइस यार, आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं हमारे न्यू करेक्टर के ऊपर, स्काइलर वाले करेक्टर के ऊपर बात करेंगे, जो कि गाइस आप लोगों को कल देखने को मिल जाएगा हमारी गेम में। तो कल यार हमारी गेम में आने वाली है OB26 की अपडेट। एंड अपडेट के बाद आप लोगों को हो सकता है ये टॉप इवेंट के अंदर देखने को मिल जाए, या आप लोगों को किसी और इवेंट में या स्टोर के अंदर भी देखने को मिल सकता है। तो इस करेक्टर की गाइस क्या स्किल है और किस तरह से आप लोग इसको यूज कर पाओगे वो मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। एंड इसी के साथ साथ और भी काफी कुछ कवर करने वाले हैं। एंड गाइस यार, कल की अपडेट के बाद आप लोगों को क्या कुछ नया देखने को मिलेगा हमारी गेम में, क्या क्या चेंजिंग की जाएगी, क्या टाइमिंग रहने वाली है हमारी मेंटेनेंस ब्रेक की, तो कब तक हमारी गेम स्टार्ट होगी, सब कुछ कवर करने वाले हैं आज की इस वीडियो में। और इसी के साथ साथ यार हमारी न्यू पेट की एबिलिटी के ऊपर भी बात करने वाले हैं, तो काफी कुछ कवर करने वाले हैं गाइस आज की इस वीडियो में। तो यार वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर वॉच कर लेना। और वीडियो शुरू करने से पहले गाइस, हर बार की तरह अभी तक आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से गाइस यार वीडियो को लाइक कर दो। आज की वीडियो को लाइक कैम रखते हैं हम लोग यार 40,000 लाइक, तो यार 40,000 लाइक का टारगेट जरूर कंप्लीट करवा देना। तो जल्दी से सभी लोग लाइक कर दो। एंड चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को कर दो सब्सक्राइब, और साथ ही साथ यार बेल आइकन के ऊपर क्लिक करके नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर दो। तो बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को स्टार्ट करते हैं एक छोटे से इंट्रो के बाद। हो जाओ सारे इकट्ठे, प्रजा मेरी देख लेगी, शर्म की बात है पूरी फौज हिला दी एक ने। तो आ चुके हैं गाइस यार इंट्रो के बाद वापस। और यहाँ पे सबसे पहले हम लोग बात करेंगे हमारे स्काइलर वाले करेक्टर के ऊपर, जो कि गाइस आप लोगों को कल हमारी गेम में देखने को मिल जाएगा OB26 की अपडेट के बाद। तो कल यार हमारी गेम में आने वाली है ओबी की अपडेट, OB26 की अपडेट। अगर आप लोगों को ओबी की अपडेट का नहीं पता तो वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। तो गाइस यार यहाँ पे आप लोग जो करेक्टर देख रहे हो, ये वाला करेक्टर आप लोगों को कल देखने को मिल जाएगा हमारी गेम में, स्काइलर वाला करेक्टर। तो इसकी क्या अवेलेबिलिटी होने वाली है वो भी मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। एंड गाइस यार उसके अलावा और भी काफी कुछ कवर करने वाले हैं हमारी कल की अपडेट के बारे में। तो यार क्या टाइमिंग रहने वाली है उसके बारे में भी बात करने वाले हैं। तो कल यार हमारी गेम में अपडेट आएगी तो मेंटेनेंस ब्रेक पे लगेगा हमारा मतलब सर्वर, जो कि गाइस कल पूरा दिन गेम नहीं चलने वाली। तो कल 9 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक गेम नहीं चलेगी। एंड उसके बाद आप लोगों को अपडेट देखने को मिलेगी, अपडेट करने के बाद आप लोगों की गेम चल जाएगी। तो कितने एमबी की अपडेट होने वाली है वो भी मैं आप लोगों को बता देता हूं। लगभग यार 300 से लेकर 350 एमबी तक हमारी अपडेट आने वाली है। तो अपडेट के बाद आप लोगों को काफी कुछ नया देखने को मिलेगा, हमारा करेक्टर आने वाला है। हो सकता है कि आप लोगों को ग्रीना वाली ये टॉप इवेंट के अंदर दे दे, या हमारे स्टोर के अंदर भी आ सकता है ये वाला करेक्टर। तो काफी ओपी करेक्टर है, तो जो कि आ चुका है फ्री फायर मैक्स में। तो फ्री फायर मैक्स की अपडेट आ चुकी है ओबी की। अभी हमारी जो फ्री फायर मैक्स सिंपल है उसकी अपडेट आना बाकी है, जो कि गाइस कल आ जाएगी। एंड अगर आप लोग यार फ्री फायर के न्यू प्लेयर हो तो आप लोग यार टेंशन मत लेना, ये मत सोचना कि यार गेम क्यों नहीं चल रही, मेरी आईडी बैन तो नहीं होगी। तो यार कुछ भी ऐसा नहीं होगा, कल यार पूरा दिन सर्वर मेंटेनेंस पे लगा रहेगा, तो कल पूरा दिन यार मतलब गेम नहीं चलेगी। तो कल आने वाली है अपडेट। और गाइस यार कल की अपडेट के बाद आप लोगों को काफी कुछ चेंजिंग देखने को मिलेगी गेम में, कंट्रोल वगैरह में, और इसके अलावा यार हमारी ग्राफिक वगैरह में। तो काफी कुछ चेंजिंग देखने को मिलने वाली है, हमारी जो पिंग प्रॉब्लम चल रही थी वो भी सॉल्व कर दी जाएगी, जो हैकर वगैरह थे उनकी आईडीज वगैरह बैन कर दी जाएगी। और इसके अलावा और भी काफी कुछ नया आप लोगों को देखने को मिलेगा, जो गन्स के डैमेज थे उनमें भी चेंजिंग वगैरह की जाती है हर अपडेट में। तो गाइस अभी हम लोग बात कर लेते हैं हमारे न्यू करेक्टर के ऊपर, स्काइलर वाले करेक्टर की स्किल के ऊपर। तो गाइस यार यहां पे सबसे पहले इसकी स्किल की बात की जाए तो गाइस यार यहां पे आप लोग देख सकते हो ग्लो वॉल लगाने पे गाइस आप लोगों को एचपी मिलने वाली है। गाइस आप लोग देख सकते हो काफी कमाल की स्किल है। तो इसकी दो स्किल होने वाली है, सबसे पहले जो स्किल आप लोग देख सकते हो यहां पे ग्लो वॉल लगाने पे आप लोगों को एचपी मिलेगी, तो ये काफी कमाल की स्किल है। एंड इसी के साथ साथ इसकी एक एक्टिव स्किल भी है, वो क्या कौन सी स्किल है वो भी मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। तो यार ये वाली जो स्किल है मुझे काफी ओपी लगी, अगर आप लोगों के ऊपर एनिमी फायर कर रहा है, अगर आप लोगों को डैमेज लगा तो आप लोग ग्लो वॉल लगा के जा रहे हो तो आप लोगों की एचपी खुद ब खुद फुल हो जाएगी। तो ये वाला करेक्टर गाइस यार आप लोगों के लिए काफी यूजफुल होने वाला है, मुझे तो काफी अच्छा लगा। यहां पे गाइस आप लोग देख सकते हो लगभग यार 40 से लेके 50 एचपी तक आप लोगों को मिलती है एक ग्लो वॉल लगाने से, तो काफी कमाल का। तो आप लोग मुझे बताना कि आप लोगों को ये वाला करेक्टर कैसा लगा। और इसकी जो दूसरी स्किल है उसकी बात की जाए तो वो भी बहुत ही कमाल की है, वो ग्लो वॉल को भी तोड़ सकती है एंड साथ ही साथ जो हमारा जो करेक्टर था क्रोनो उसकी भी स्किल को तोड़ सकती है। तो यहां पे देख सकते हो यार एक बार यार एक्टिव स्किल को यूज करने पे यार 3-3 ग्लो वॉल भी तोड़ सकते हैं। तो यहां पे जो तीसरी ग्लो वॉल थी वो काफी दूर थी, तो काफी कमाल की स्किल है यार। तो इसको यूज करने के लिए गाइस बस आप लोगों को करना क्या होगा, जो आपका एम है वो आप लोगों ने ग्लो वॉल पे लेके जाना है, उसके बाद आप लोगों ने एक्टिव स्किल को यूज करना है। तो यहां पे मैं 3 ग्लो वॉल लगा के आप लोगों को दिखा देता हूं। तो यार काफी कमाल का है, अगर आप लोग क्रोनो करेक्टर मतलब कोई एनिमी क्रोनो करेक्टर यूज करता है तो उसको यार जो उसकी शील्ड है उसको भी आप लोग तोड़ सकते हो इसकी स्किल के साथ। तो यहां पे 3 ग्लो वॉल हम लोगों ने लगा दी है, अभी मैं यूज करके आप लोगों को दिखाता हूं। यहां पे एक ग्लो वॉल गई देख सकते हो, दूसरी भी गई, और यहां पे तीसरी भी ग्लो वॉल टूट चुकी है सिर्फ एक बार एक्टिव स्किल यूज करने पे। तो यार काफी कमाल की स्किल है।
तो एनडीसी के साथ साथ गाइस आप लोगों को यार और भी काफी कुछ नया देखने को मिलेगा। यहाँ पे आप लोगों को स्कैनर देखने को मिलेगा हमारी गेम में। यहाँ पे स्कैनर यूज करने पे हमें स्कैनर देखने को मिलेगा जिससे यार आप लोग किसी भी एनिमी की लोकेशन देख सकते हो। तो ये भी काफी कमाल का है जो कि आप लोगों को अपडेट के बाद देखने को मिल जाएगा। ये स्कैनर आप लोगों को गेम के अंदर से देखने को मिलेंगे। एंड आगे गाइस हम लोग बात करें यार ग्राफिक की, तो ग्राफिक में भी आप लोगों को काफी चेंजिंग देखने को मिलेगी। सेटिंग में जाके आप लोगों को ग्राफिक का ऑप्शन देखने को मिलेगा क्लासिक ब्राइट, एंड इसके अलावा यार आप लोगों को ओकेएन वाला भी ऑप्शन देखने को मिलेगा। तो काफी ओपी यार कर दी गई है हमारी गेम अपडेट के बाद। आप लोगों को काफी कुछ नया देखने को मिलेगा हमारी गेम में। तो काफी अच्छा काम कर रहे हैं यार ग्रीना वाले। यहां पे आप लोग देख सकते हो यार आप लोगों को काफी कलर देखने को मिल जाएंगे, काफी अच्छी अच्छी आप लोगों को ग्राफिक देखने को मिल जाएगी जैसे कि यार पबजी वगैरह में होता है। तो काफी अच्छा लगा यार मुझे ये वाली अपडेट देख के। तो आप लोग मुझे बताना कि आप लोगों को ये वाली जो ग्राफिक वाला है फिल्टर, ये आप लोगों को कैसा लगा। ये वाला फिल्टर मुझे बहुत ही कमाल का लगा। इससे गाइस आप लोग अपनी ग्राफिक चेंज कर सकते हो यार, अपने हिसाब से यार गेम के कलर कर सकते हो। तो आप लोग मुझे बताना कि आप लोगों को ये वाली अपडेट कैसी लगी, एंड ये वाला जो आप लोगों को ग्राफिक वाला यार फिल्टर देखने को मिला है ये आप लोगों को कैसा लगा। मुझे तो बहुत ही कमाल का लगा। तो कल की अपडेट के बाद गाइस यार आप लोगों को गेम खेलने में काफी ज्यादा मजा आने वाला है यार। मुझे तो यार देखने में काफी मजा आ रहा है। तो अपडेट के बाद आप लोगों को गेम खेलने में काफी मजा आने वाला है। यहाँ पे आप लोग कलर देख सकते हो, यहाँ पे आप लोग कोई भी यार आप लोग ग्राफिक में जाके कोई भी फिल्टर लगा सकते हो एंड अपने हिसाब से आप लोग ग्राफिक कर सकते हो। तो आप लोग मुझे बताओ कि आप लोगों को कैसी लगी ये वाली, मतलब कि अपडेट आप लोगों को कैसी लग रही है, एंड आप लोग इस अपडेट का वेट कर रहे हो कि नहीं कर रहे ये मुझे कमेंट करके जरूर बताना। तो मैं तो यार बहुत ही ज्यादा वेट कर रहा हूँ। तो कल गाइस यार आप लोगों को हमारी गेम में अपडेट देखने को मिल जाएगी। आज 3 फरवरी है और कल 4 फरवरी है, तो 4 फरवरी को हमारी अपडेट आने वाली है। तो कल यार टाइमिंग क्या रहने वाली है वो मैं पहले भी बता चुका हूँ। सुबह 9 से लेकर शाम 5 बजे तक हमारी गेम बंद रहेगी, एंड 5 बजे के बाद यार हमारी गेम चल जाएगी। एंड उसके बाद गाइस आप लोगों को काफी कुछ नया देखने को मिलेगा। इमोट्स वगैरह आप लोगों को हमारे कलेक्शन के अंदर देखने को मिलेंगे, एंड इसके अलावा और भी काफी कुछ नया आप लोगों को गोल्ड रॉयल देखने को मिलेगा, डायमंड रॉयल देखने को मिलेगा रात 12 बजे के बाद। कल रात 12 बजे के बाद आप लोगों को गोल्ड रॉयल देखने को मिलने वाला, डायमंड रॉयल, एंड इसके अलावा और भी काफी कुछ नया देखने को मिलेगा। एंड आगे बात कर लेते हैं हमारे पेट की। तो पेट गाइस आप लोगों को कल अपडेट के बाद देखने को नहीं मिलेगा, अब पेट आने में कुछ टाइम लगेगा। तो यहाँ पे पेट की स्किल की बात की जाए तो इसके ऊपर मैं पहले भी एक वीडियो बना चुका हूँ। अगर आप लोगों ने यार वो वाली वीडियो नहीं देखी तो जाके आप लोग मेरे चैनल पे देख सकते हो। और ये वाला पेट आप लोगों को यार लगभग 1 महीने के बाद देखने को मिलेगा, अपडेट आने के 1 महीने बाद या कुछ यार 3 या 4 वीक के बाद आप लोगों को देखने को मिल जाएगा ये वाला पेट। ये आप लोगों को यार कल नहीं देखने को मिलने वाला, तो काफी कमाल का पेट होने वाला है। तो आप लोग मुझे बताना कि आप लोगों को यार ड्रैकी वाला पेट कैसा लग रहा है, तो ये मुझे जरूर बताना। तो बस यार गाइस आज की वीडियो में यही कुछ था, और आज की वीडियो का लाइक हम आप सभी को पता ही है। तो आज की वीडियो का लाइक हम रखा था हम लोगों ने 40,000 लाइक, तो यार 40,000 लाइक का टारगेट जरूर कंप्लीट करवा देना। तो जल्दी से सभी लोग लाइक कर दो, एंड चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को कर दो सब्सक्राइब, और साथ ही साथ यार बेल आइकन के ऊपर क्लिक करके नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर दो। और गाइस यार आप लोग जाके मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लेना, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो यार इंस्टाग्राम पे मैं आप लोगों को अपडेट वगैरह देता रहता हूँ, छोटी छोटी अपडेट देता रहता हूँ, तो जाके इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लेना। और अगर आप लोग मेरे साथ गेम खेलना चाहते हो तो मेरी UID आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, लेकिन आप लोगों को इंस्टाग्राम पे भी मुझे फॉलो करना पड़ेगा और मुझे बताना पड़ेगा कि भाई मैंने इस नाम से आप लोगों को या इस ID से आप लोगों को रिक्वेस्ट भेज दी है। तो जल्दी से जाके इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लो, और लाइक कर दो वीडियो को, शेयर कर दो, और मैं मिलूंगा गाइस आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में।